नमस्कार दोस्तों, आज जैसे ही देश का चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है तो आखिरी चरण के चुनाव समाप्त होने के आखिरी दिन पूरे देश में एक ऐसी आवाज श्री राहुल गांधी जी की, जिसने देश के हर कोने में इस देश की समस्याएं उठाई, आज मैं अनुरोध करूंगा स्वागत करते हुए श्री राहुल गांधी जी का कि वो इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान के विचार और लोगों की बात आपसे साझा करेंगे। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रेस का, जिसने पूरे कैंपेन की कवरेज की। हमारे साथ आप काफ़ी लोग आए तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद हिंदुस्तान की जनता को, जो इस देश को आने वाले दिनों में रास्ता दिखाने का काम करेंगे, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ वर्कर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, और हमारी जो टीम है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछिए। लेट्स गो वन बाय वन। राहुल जी, आपने लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक चैलेंज पेश किया था प्रधानमंत्री के सामने कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी 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 इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। साथ ही उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में न्यूज़ 24 बहुत बढ़िया इंटरव्यू में कहा है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्या आप इस बात पे यकीन? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अकंपनिंग मिस्टर अमित शाह इन अ प्रेस ब्रीफिंग। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहाँ पे, हमारे साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। बड़ा ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझसे राफ़ाइल पे डिबेट क्यों नहीं किया, जवाब दे दीजिए। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ? मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चैलेंज दिया, मैंने आपसे कहा मैं रेसकोर्स रोड में आऊँगा, अनिल अंबानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उनको 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा क्यों दिया। मैंने आपको चैलेंज किया कि आप डिबेट करिए। नरेंद्र मोदी जी, आप प्रेस को बता दीजिए कि आपने मेरे साथ डिबेट क्यों नहीं किया, आप राफेल मामले पे क्यों डरे? तो मैंने भी अपना एक सवाल पूछ दिया। देखिए, मैंने ट्वीट किया उसके बारे में, और मैं उसके बारे में जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैं जो नरेंद्र मोदी जी की फिलॉसफी है, मैंने पहले भी बोला है, वो हिंसा की फिलॉसफी है, वो गांधी जी की फिलॉसफी नहीं है। सही है जी, ओके, लेट हिम पास। मैंने बहुत क्लियरली बोला है, और आप ये सवाल मुझसे अलग अलग एंगल्स से पूछते हो। देखिए, जनता डिसीजन लेगी, 23 मई को डिसीजन लेगी, और जो जनता डिसाइड करेगी उसकी बेसिस पे हम काम करेंगे। उससे पहले मैं जनता के डिसीजन के बारे में नहीं बोलूँगा। सही है जी। मैम, कैन यू प्लीज वेट, देयर इज समबडी एल्स हू इज आस्किंग। भैया, आपने फिर दूसरी एंगल से पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया पहले, जवाब फिर से दे देता हूँ। जनता 23 मई को डिसाइड करेगी, जनता के डिसीजन के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे। इससे पहले मैं जनता के डिसीजन के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं उनके जो थिंकिंग है, उनकी जो डिसीजन है, उसका आदर करता हूँ। सुप्रिया, कैन यू हैव टू वेट फॉर अ सेकंड क्वेश्चन।
देखिए, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन का जो इस इलेक्शन में रोल रहा है वो बायस्ड रहा है। नरेंद्र मोदी जो भी बोलना चाहते बोल देते हैं, उसी बात के लिए किसी और को टोका जाता है। नरेंद्र मोदी जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, तो पार्शियलिटी तो जरूर दिख रही है। और एक और बात में पार्शियलिटी दिखी है, जो ये पूरा चुनाव का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग के लिए बनाया गया है। ये बात बिल्कुल सामने ये देश समझता है। देखिए, मगर हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूशन है उस पर भरोसा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी स्ट्रेटजी रही है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम उठाएं, और हमने इफेक्टिवली मुद्दे उठाए। मैं सच बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी के पास, बीजेपी के पास हमारे से बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे लगता है 1:20 रेशो होगा। उनके पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मार्केटिंग, अनलिमिटेड टेलीविजन, हमारे पास सिर्फ सच्चाई। सच्चाई जीतेगी। आखिरी बात, 3-4 मुद्दों पे ये चुनाव हुआ है। बेरोजगारी, किसानों की हालत, राफेल हवाई जहाज भ्रष्टाचार, इकोनॉमी की हालत, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स। और नरेंद्र मोदी जी ने इन बातों का जवाब ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार अमित शाह के साथ जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फर्स्ट स्टेप तो सब, हर चीज़ के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, और पहला कदम उन्होंने उठाया है, अच्छी बात है। मगर नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं कि भैया मैं आम ऐसे खाता हूँ, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, मैं इस प्रकार से कपड़े पहनता हूँ। और प्रेस वालों, आपसे भी एक शिकायत है, मेरे से आप हार्ड क्वेश्चन पूछते हो, न्याय योजना कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होगा, और नरेंद्र मोदी जी से, साहब आप आम कैसे खाते हैं, साहब आप कपड़े कैसे पहनते हैं, साहब आपने ये हाफ स्लीव का कुर्ता कहाँ से सोच के निकाला, तो थोड़ी तो फेयरनेस आप भी कर लीजिए भाई, थोड़ी सी तो पूछ कर लीजिए। नहीं, प्रेस वाले ने नहीं पूछा। प्रेस वाले ने कहा, नरेंद्र मोदी जी बालाकोट के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जैसे आज बारिश हो रही है, मैं घबरा गया। मैंने सोचा भाई बारिश हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज ना घूम जाए, गायब ना हो जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर से कहा मौसम खराब है, बादल हैं, रेडार पे हवाई जहाज नहीं दिखेगा। एक्सेलेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फैंटास्टिक। बताइए रंजीता। अच्छा रंजीता, नहीं, वो मेरी ही बात मुझे वापस कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी के माता पिता का आदर करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का आदर करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का आदर करता हूं, और नरेंद्र मोदी जो भी नफरत मेरी ओर फेंके मैं उनको प्यार लौटाऊंगा। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी के माता पिता जो पॉलिटिक्स में नहीं है, उन्होंने कुछ गलत भी किया, तब भी मैं नरेंद्र मोदी के माता पिता के बारे में नहीं बोलूंगा। मगर अगर नरेंद्र मोदी मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे माता पिता के बारे में गंद बोलना चाहते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, वो जितना बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जय नरेंद्र, वेलकम। वो भैया 23 मई को पूरा पता लग जाएगा। मैंने जैसे कहा जनता के ऊपर है, उस पर मैं
टिप्पणी नहीं दूंगा. या आई विल कम टू यू सर, आई एम कमिंग टू यू वन बाय वन सर. ये तो भैया आपको बोलना पड़ेगा, जनता को बोलना पड़ेगा, ये जनता के ऊपर है. हमने, मुझे लगता है कि हम चुनाव बहुत बढ़िया लड़े, कांग्रेस पार्टी, सिर्फ मैं नहीं, और जो अपोजिशन का रोल हमें प्ले करना था, 2014 में लोकसभा में हमारे नंबर्स बड़े नहीं थे, मगर मैं बहुत खुशी से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ऑपोजिशन का रोल ए ग्रेड प्ले किया है. हमने नरेंद्र मोदी को घेर दिया. नरेंद्र मोदी जो थे 2014 में, जो नरेंद्र मोदी का जो आइडिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने डिसमेंटल कर दिया, खत्म कर दिया. नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा. मैंने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा, देख लेना शायद जवाब दें ना दें. मैंने उनसे कहा देखिए आप डिबेट कीजिए मुझसे, मैं कहीं भी आ जाऊंगा. नरेंद्र मोदी जी डर गए, डिबेट नहीं कर पाए. देश भर में नारा चला है चौकीदार चोर है, कहीं भी आप बोल दीजिए, किसी भी शहर में कहीं भी बोल दीजिए, बस चौकीदार बोलिए, जवाब मिलता है चोर है. तो ये काम सिस्टमैटिकली कांग्रेस पार्टी ने किसानों का मुद्दा उठाया, मंदसौर में उठाया, पूरे देश में उठाया, फिर उसको हम आगे ले गए. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने डायरेक्शन दिखाई. न्याय योजना की हमने थिंकिंग की. नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की बात की, हमने असेस किया, सच्चाई निकाली, उनका झूठ पकड़ा, और फिर हमने देश को बताया कि 15 लाख नहीं किया जा सकता है, मगर 360,000 पाँच साल में किया जा सकता है. तो हमने अपना काम किया, अब बाकी जनता पे है. सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं. मैं एक्सपीरियंस को धक्का मार के भगाता नहीं हूं. तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाएगी. रजत मैम, आई एम कमिंग देयर, मैम, दे आर जस्ट नोटेड इन सीरेट, मैम, आई एम कमिंग. देखिए जनता पर है. आप इतनी इम्पेशेंट क्यों हैं, इतना इम्पेशेंट क्यों है? 23 में कुछ ही दिन है, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा. आपने यू आस्क मी 6 times, आई विल आंसर द सेम वे. आई एम नॉट गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट द पीपल ऑफ दिस कंट्री बाय जजिंग व्हाट दे आर गोइंग टू डू. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. सो यू कैन कीप आस्किंग, आई विल कीप गिविंग द सेम रिप्लाई. माई रिप्लाई इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. I am not going to prejudge what the people of this country are saying. It is not for me to decide what the people of India are going to say on the 23rd. It is for them. Vikrant. ये फिर से घुमा घुमू के वहीं पहुंच गए. जो ऑर्डर जनता देगी, जनता मालिक है, जो ऑर्डर जनता देगी हम करेंगे. और 23 तारीख को पता लग जाएगा. 23 तारीख को जनता का जो मूड है, जनता का विजन है हिंदुस्तान के लिए, वो पता लग जाएगा. पल्लवी. यस. बट मैम, मायावती इज नॉट इन द कांग्रेस पार्टी, लास्ट आई हर्ड. She is not in the Congress party. No, you said, I said that I cannot, look, I can say, I can have an opinion on what I say, I can have an opinion on what my party says. It's not my place to comment about Mayawati ji. Mayawati ji does politics in the way that she likes. And if she wants to, if I,
I'm not even against Mr. Narendra Modi abusing me. If Mr. Narendra Modi wants to abuse me, he feels like abusing me, good for him. So I'm not going to judge either Mr. Narendra Modi or Mayawati ji on what they're saying. I will judge myself. I have the possibility to respond, and that's what I do. So if Mr. Narendra Modi wants to use abusive language, that's good for him. And if it pleases him, makes him happy, I'm happy for him. Sunil there. I'll come to you, ma'am. I'll first go. But May 23rd, you are being so impatient. 23rd May, you waited now for a long time throughout the campaign. Couple days more, you'll get the answer. Well, Vijay, I'll come to you. Very good, very good, very good. I'm very pleased. I'm very pleased that Mr. Amit Shah is saying 300 ke paar. Ma'am, here on the right side. Just one second, sir. I'll come to you, sir. Yes. Would you like me to elaborate? I can elaborate a little bit if you want. If you're happy with yes, I'm happy with yes. Yeah. He fought the election. He came 5 years ago. And frankly, he had a huge opportunity. And as an opposition leader, I would have liked to see a prime minister of my country, of our country, who was moving this country forward. I would have liked to see Mr. Narendra Modi actually take on the challenge of joblessness. I would have liked to see Mr. Narendra Modi actually try and work on helping our farmers. And with all due respect, he lost sight of the real picture. He forgot that the Indian people had not put him as Prime Minister to give speeches and to tell the Indian people what he thought. They had put him in place to do a couple of concrete jobs. Unemployment, farmers' situation, economy, and put India on a trajectory, on a path, and give India a new vision. He chose to abuse our vision and then use our vision, which we ourselves accepted had stopped working in 2012. So now he suddenly finds himself with nothing to show. You know, there's no work that's been done. And now he's distracting. You know, he'll probably do tomorrow or day after, he'll do one of the, you know, the seaplane type of things. You'll see some event that he will think up. I don't know what it is. Some event will be thought up that will be sort of the, you know, distract India event. We'll see it in the next couple of hours. But India is not going to get distracted. Mr. Phukan. Look, I respect the fact that the BSP and SP decided to fight the election together in UP. From a Congress party perspective, I have to push the Congress ideology in Uttar Pradesh. And I've got to fight for my space in Uttar Pradesh. I made it very clear to Jyotiraditya and Priyanka that priority number one is to make sure that the BJP loses. Priority number two is to push the Congress ideology. Priority number three, which comes later, is win the Vidhan Sabha election, right? But ideologically, they're on the same page as us, broadly. I don't see Mayawati, Mulayam Singh Yadav ji, Mamata ji, Chandrababu Naidu ji, I don't see any of these people supporting a BJP, Narendra Modi government. So yes, we've had an alliance in a number of states, Maharashtra, Kerala, Jharkhand,
बिहार, जम्मू कश्मीर, वी डिडंट हैव एन अलायंस इन बंगाल, वी डिडंट हैव एन अलायंस इन उत्तर प्रदेश, बट बाय द वे secular formations are going to win the maximum number of seats in those states. Our strategy, I'll tell you a little bit, our strategy about 2 years back was we were systematically going to close every single door for Mr. Narendra Modi could open. So we went state by state, state by state, state by state, and we proceeded to close every single door he could escape through. And we did it systematically, we did it in an organized fashion. I'm proud to say that we closed 99% of his doors. And today he's faced, and by the way, well, no, actually we closed 90% of his doors and he closed 10% of them for us. He helped us by being abusive towards people like Mr. Naidu, by being abusive towards people who actually had worked with him in the past. I think that's a tremendous job that the Congress Party has done. And I'm proud to say, of course, the people of India have done the job. Congress Party has helped in its own way. I'm proud to say that we have fought Mr. Narendra Modi, we have fought the BJP, and we have protected, which is our main duty, we have protected the institutions of this country from Mr. Narendra Modi, from the BJP and the RSS, and we have done so successfully. This fight is about protecting the Supreme Court of India. It is about protecting the Constitution, about protecting the RBI, about protecting all the institutions that make up this great country. It is about protecting all these institutions that give voice to this great country. And I am, as an Indian, extremely proud that millions and millions and millions of people stood up with us and stopped Mr. Narendra Modi in his tracks. I'd like to conclude this press conference by saying thank you very much. It's been a pleasure working with you. Not only a pleasure, You must have seen that I have improved at press conferences. You've seen that? Now, how do you think I've improved? Who made me improve? Who do you think? You made me improve. So it is because I come here and I do press conferences in front of you that my gurus, i.e. all my friendly press people with the cameras, teach me. So I would like to thank you because that is the spirit of this country. I'd like to thank you for all the work you've done and all the work you're going to do for this country. All the best.